नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नारकोटिक्स टीम ग्वालियर व जालौन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टीम ने एक ट्रक से 9 किलो स्मैक बरामद की। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 9 करोड़ बताई जा रही है। वहीं ट्रक की स्टेपनी में छुपाकर राजस्थान जा रही थी स्मैक। पुलिस ने दो आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। जालौन के आटा थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा का यह मामला, जहां पुलिस और जालौन से आई नारकोटिक्स की टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 करोड़ रुपए मूल्य की स्मैक बरामद हुई है, जिसे ट्रक के जरिए राजस्थान ले जाया जा रहा था। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के माध्यम से सूचना मिली कि एक संदिग्ध ट्रक तस्करी के ड्रग्स लेकर जनपद जालौन से गुजरने वाला है। इस सूचना पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम की सूचना पर थाना आटा की पुलिस ने ट्रक को रोका और उसके ड्राइवर और क्लीनर से जब पूछताछ की गई तो ट्रक के स्टेपनी से 18 पैकेट हेरोइन बरामद की गई। और इस तरह से जॉइंट ऑपरेशन में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम और SHO आटा की नेतृत्व में जनपद पुलिस ने एक ऑपरेशन शुरुआत किया है, जिसमें लगभग 9 किलो के करीब में हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 9 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। और इस तरह से 9 किलो हेरोइन को जब्त करके, गाड़ी को भी जब्त करके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर अनुमति कार्रवाई की जा रही है। बोल सर, जनपद पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, स्मैक पकड़ा है सर, क्या पूरा मामला है और कितने की स्मैक? जी, ये CBN की टीम है ग्वालियर की और आटा पुलिस के सहयोग से एक ट्रक में करीब 9 किलो ब्राउन शुगर है पकड़ी गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब बहुत ज़्यादा है, उसका मूल्यांकन होना बाकी है। और ट्रक चालक और उसका क्लीनर, इन्होंने ट्रक के ट्यूब में छुपा रखा था इसको, और ये सूचना पे बरामद किया गया है, लिखा पड़ी हो रही है, इसकी हिरासत में लिया गया उन लोगों को। आगे कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे और भी इसमें खोजबीन जारी है। हमारी आटा पुलिस की टीम और CBN की टीम लगातार इस पर काम करेगी। सर, सूत्रों से जानकारी मिल रही है सर, राजस्थान की ओर जा रहे थे ये जी, किस प्रकार पुलिस को सूचना मिली? घर के ये चालक और उनका जो अभी पता बताया जा रहा है, राजस्थान का है और एक पश्चिम बंगाल का। अब ये ले जाना, ये तस्दीक करना बाकी है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये बाद में इनसे पूछताछ और सारी बातें योजना में निकल। सर, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सर इसकी कितनी कीमत होगी? लगभग अनुमानित कीमत अब करोड़ों आप बता सकते हैं, वह मार्केट के हिसाब से निर्भर करता है, ये बताएगी। लेकिन काफ़ी 9 किलो जो सुबह हेरोइन की कीमत है करोड़ों में। जनपद पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, इसके पीछे क्या रिगार्ड जाता है? ये पुलिस अधीक्षक का निर्देशन था और CBN की टीम है, हमारी आटा पुलिस की टीम है, सबने मिल करके काम किया है और ये बरामदगी हुई है। और किस प्रकार सर मुखबिर से सूचना मिली या किस प्रकार आप लगे थे इस टीम को लेकर? मुखबिर की सूचना ये गोपनीय होती है, ये हमें सूचना थी, CBN से सहयोग लिया गया, फिर आटा पुलिस में लिया है। ये काम पुलिस का चलता रहता है और अवैध ये जो नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है, किसी भी तरह का अवैध जो परिचालन या हाईवे पे नहीं होने दिया जाएगा। कितने लोगों को अरेस्ट किया? अभी दो लोग हिरासत में हैं। अब इसमें कौन कौन लोग जुड़े हैं, माल कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा था, वो पूरा रैकेट होता है, उस पर अभी काम होना बाकी है, वो किया जाएगा।